YouTube शॉपिंग की सुविधाओं से आपको अपने प्रोडक्ट सीधे दर्शकों के साथ शेयर करने और अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम की जरूरी शर्तें पूरी करने वाले क्रिएटर्स किस तरह अपने स्टोर को अपने चैनल से जोड़ सकते हैं। साथ ही हम आपको वीडियो शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट टैग करने का तरीका भी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। YouTube शॉपिंग की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टोर को अपने चैनल से जोड़ना होगा। YouTube के अलावा YouTube के बाहर समर्थित शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपना स्टोर सेटअप किया जा सकता है। मोबाइल फोन या डेस्कटॉप के जरिए अपने स्टोर को जोड़ने के लिए YouTube स्टूडियो पर जाएं, यहां अर्न या कमाई करें पर फिर शॉपिंग और फिर कनेक्ट स्टोर या स्टोर को लिंक करें पर क्लिक करें। आपके पास एक या एक से ज्यादा स्टोर लिंक करने का विकल्प भी है। आपके स्टोर के चैनल से लिंक हो जाने के बाद ये सुविधाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्टोर टैब, अपने वीडियो में दिखाए गए खास प्रोडक्ट सीधे टैग करने की सुविधा। प्रोडक्ट शेल्फ, आइए हर एक सुविधा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टोर टैब, अपने स्टोर को चैनल से जोड़ने के बाद आपको अपने चैनल पर स्टोर टैब अपने आप दिखने लगेगा। यहाँ आपके प्रशंसक कभी भी आपके प्रोडक्ट ब्राउज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट स्टोर टैब पर अपने आप दिखते हैं। हालांकि अगर आपको इसे अपनी पसंद के मुताबिक बनाना है तो अर्न या कमाई करें पर जाएं, फिर शॉपिंग और फिर क्रिएट ओन सिलेक्शन या मैनुअल रूप से प्रोडक्ट चुनें पर क्लिक करें। यहां से आप 30 आइटम तक ड्रैग ड्रॉप और ऑर्डर कर सकती हैं। इसके बाद सेव करें पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे कि आपके वीडियो शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में दिखाए गए खास प्रोडक्ट बेचने के लिए सीधे टैग करने की सुविधा का इस्तेमाल कैसे करना है। टैग करने की इस सुविधा के लिए क्रिएटर्स ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिनमें उनके स्टोर पर मौजूद खास प्रोडक्ट को मुख्य रूप से हाईलाइट किया जाता है। इसकी मदद से आपके अपने प्रशंसकों और आपके कारोबार के मकसद पूरे किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जानें कि अपने वीडियो और शॉर्ट्स में प्रोडक्ट टैग करने का तरीका क्या है। वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड करते समय वीडियो में दिखाए गए खास प्रोडक्ट टैग किए जा सकते हैं। जानकारी वाले चरण पर टैग प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट टैग करें पर क्लिक करें। अपने मौजूदा वीडियो या शॉर्ट्स के साथ प्रोडक्ट टैग करने के लिए वीडियो की जानकारी वाले पेज पर जाएं। इसके बाद प्रोडक्ट पर क्लिक करें। अपने वीडियो और शॉर्ट्स में खास प्रोडक्ट टैग करने पर आपके वीडियो में प्रोडक्ट का ओवरले दिखेगा। जब आपके दर्शक ओवरले पर क्लिक करेंगे तो उन्हें YouTube पर वीडियो देखने के दौरान ही आपके टैग किए गए प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसके बाद अब जानते हैं कि लाइव स्ट्रीम के लिए प्रोडक्ट टैग करने की सुविधा कैसे काम करती है। अपनी लाइव स्ट्रीम में प्रोडक्ट टैग किए जा सकते हैं। साथ ही टैग किए गए प्रोडक्ट को स्ट्रीम में पिन करके दिखाया जा सकता है। शॉप या खरीदें आइकन पर टैप करके दर्शक आपके टैग किए गए प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा वे आपकी स्ट्रीम को देखते हुए खरीदारी भी कर सकते हैं। अपनी लाइव स्ट्रीम में प्रोडक्ट को टैग करने के लिए लाइव कंट्रोल रूम पर जाएं। बाईं ओर दिए गए मेन्यू में स्ट्रीम या मैनेज को चुनें। लाइव स्ट्रीम की प्रीव्यू के नीचे मौजूद शॉपिंग टैब पर क्लिक करें। फिर प्रोडक्ट को खोजने और चुनने के लिए प्लस के निशान वाले आइकन पर क्लिक करें। आप 30 प्रोडक्ट तक ड्रैग और ड्रॉप कर सकती हैं। किसी प्रोडक्ट को हटाने के लिए प्रोडक्ट के ठीक बगल में ट्रैश पर क्लिक करें। सेव करें पर क्लिक करें। अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी एक आइटम को पिन करके उसे खास तौर पर दिखाया जा सकता है। लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई प्रोडक्ट पिन करने के लिए लाइव स्ट्रीम प्रीव्यू के नीचे मौजूद शॉपिंग टैब पर क्लिक करें। प्रमोशन करने के लिए किसी एक आइटम को चुनें, इस पर क्लिक करें या इसे खींचकर प्रीव्यू पैनल पर ले जाकर छोड़ें। इसके बाद पिन प्रोडक्ट पर क्लिक करें। आपकी लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पिन किए गए प्रोडक्ट को खास तौर पर दिखाया जाता है। दर्शक ओवरले पर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी और उसे खरीदने के विकल्प देख सकते हैं। अपने वीडियो शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट टैग करना नए दर्शकों के बीच अपने प्रोडक्ट शेयर करने का एक बेहतरीन तरीका है। टैग किए गए अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए YouTube स्टूडियो पर जाएं। इसके बाद अर्न या कमाई करें
और फिर शॉपिंग टैब पर जाएं। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स सेक्शन में रेवेन्यू टैब पर क्लिक करें। आखिर में हम प्रोडक्ट शेल्फ के बारे में बात करेंगे। आपके स्टोर के चैनल से जुड़ने के बाद आपके उन सभी वीडियो के नीचे प्रोडक्ट शेल्फ अपने आप दिखने लगेगी जिनमें आपने खास प्रोडक्ट टैग नहीं किए हैं। प्रोडक्ट शेल्फ में प्रोडक्ट की कीमत, लोकप्रियता और उपलब्धता के आधार पर आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसे अपनी पसंद के मुताबिक बनाया जा सकता है। इसके लिए अर्न या कमाई करें पर जाएं, फिर शॉपिंग और फिर क्रिएट ओन सिलेक्शन या मैनुअल रूप से प्रोडक्ट चुने पर क्लिक करें। ये अपने प्रोडक्ट को सीधे तौर पर न बेचकर उसे अपने वीडियो के जरिए बेचने का एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें आपको खास प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। YouTube शॉपिंग की इन सुविधाओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।